वो आप नॉर्मल से चलाते हैं, बदतमीजी से चलाते हैं? सर ये नहीं, आराम से चलाई जाती। अच्छा, ये बदतमीजी से चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पार्क प्लस, मेरा नाम है सिलम है और मैं एक वॉक अराउंड वीडियो के साथ आया हूँ। वॉक अराउंड भी कह सकते हैं, फर्स्ट लुक रिव्यू भी कह सकते हैं। गाड़ियाँ तो काफ़ी पुरानी हैं और लेकिन बड़ी यूनिक गाड़ी है। मेरे साथ रेहान मौजूद है। रेहान कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक सर। आप रेहान साहब, आपके पास पहले भी हमने एक रिव्यू किया था, आपके पास एक क्रिसेडा थी, मुझे याद पड़ता है। ऐसे ही है तो आज आपकी जो दो गाड़ियाँ लेके आए, ये कौन कौन सी हैं? दोनों मार्क टू लग रही है मुझे। सर ये टोयोटा मार्क टू ग्रैंड है, मॉडल JZ 600। ये 97 मॉडल है JZ 600। इसके बाद वो 2001 तक ही आई है, 2003 में वो आई थी, 2003 तक वो। ठीक है। और ये जी टोयोटा चेजर है, JZ X90। ये 1992 मॉडल है। ठीक है। और ये दोनों स्टॉक इंजन पे हैं कि इनमें कोई अपग्रेड किया? नहीं सर, दोनों में स्वैप है। इसमें 2JZ GT है और जेन्युइन 1J आता है इसमें? इसमें 1JZ GT आता है। ठीक है। 2J आपने खुद स्वैप किया कि जब आप लेकर आए तो ऐसे हुआ? नहीं, मैं दोनों गाड़ियां एज इट इज लेके, एज इट इज लाया था। एक एक करके देख लेते हैं गाड़ी के बारे में, इधर से आ जाते हैं बल्कि चले। ये जो है ये 1997 की मार्क टू है विद अ स्वैप ऑफ 2J, राइट जी। अच्छी चाबी किधर है? उसकी चाबी जी। अच्छा जी। और इसके अंदर इंजन के स्वैप के अलावा इंटीरियर में कोई आपने चेंजेस नहीं किया? इंटीरियर बिल्कुल स्टॉक है इसका। ये क्या लगी हुई गेज किस चीज़ की? ये इसमें डेफी है, ये वाटर टेम्परेचर वगैरह, ऑयल टेम्परेचर और सारा कुछ। मैनुअल कार? जी जी, ये ओरिजिनल मैनुअल कार। आपने इसका गियर नॉब भी बड़ा ऐसे लगाया, टोक्यो ड्रिफ्ट स्टाइल है। ये भी पहले लगा हुआ था? नहीं, ये थोड़े बहुत काम किए हैं इसमें, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की है। अच्छा जी, इंजन भी देखते हैं जरा क्या सूरत हाल। अच्छा, ये पिलर लेस मेरा ख्याल है लास्ट जनरेशन इसकी ये आई लास्ट मार्क टू में यही है, ये पिलर लेस हाँ जी। इसके अच्छा, इसका प्राइस का आइडिया भी आप मुझे देर से, मैंने कहा चलो लोगों को भी पता लग जाए, क्योंकि लोगों को आम शॉर्ट पे देख के लगता है कि शायद 16-20 लाख रुपए। खैर 20-15 लाख रुपए का तो मेरा ख्याल है खाली अभी इंजन ही। सर ये जो इसमें सामान लगा या टोटल सारा कर लें तो ये तकरीबन 45 में पड़ता। वैसे मेरे ख्याल 2J इंजन ही खाली बहुत महंगा, स्टॉक इंजन भी तकरीबन 22-23 का हो गया। इसमें टर्बो आपने अपग्रेड किया हुआ जी? इसमें टर्बो, ये टर्बो को बुरखा क्यों पहनाया हुआ? ये सर यहाँ से हीट आती है। अच्छा, ये इसका जेन्युइन जो कपड़ा होता है वो भी इसकी वजह से ही नमदा खराब हो गया था जी। नहीं बट ये सेफ है इस तरह? जी ये इस तरह से। और इसमें टर्बो अपग्रेड हुआ है? जी इसमें टर्बो। कौन सा टर्बो लगा? इसमें होलसेट का HX35 है। ठीक है। और ये VVT इंजन है, वैसे 2J में नॉन VVT ज्यादा महंगा मिलता है, राइट? नॉन VVT ज्यादा महंगा है। ऐसा ही है जी, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी बुरी नहीं है। और ये सारा जो स्वैप आप कह रहे हैं हुआ भाई, स्टेबिलिटी बार ये वो सब, यानी पहले से आपको ऐसी वो मिला? जी पहले से ऐसे। व्हील्स वगैरह भी ये लगे थे कि आपने कुछ चेंज किए? व्हील्स भी यही लगे, इन व्हील्स के मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करके आया था। पेंट भी बड़ा खूबसूरत हुआ भाई, मेरे ख्याल बाद में हुआ लेकिन हुआ क्योंकि इसमें ये कलर कोड में नए वाले में आता था। हाँ जी, ये सर 2019 में पेंट हुआ था इस पर। हाँ, क्योंकि जिसमें कलर आता था वो ये वाला नहीं था, इसमें कलर दूसरा था, ये 2003 वाला हुआ है। अच्छा, व्हील्स भी आपने इसमें जो लले हुए हैं, लो प्रोफाइल व्हील्स आ गए। अच्छा, और ये इस टाइम पे गाड़ी जो आप कह रहे हैं ये समवेयर अराउंड 7 मिलियन प्लस है? सर ये अगर आज के ज़माने में तैयार की जाए तो तकरीबन 8 मिलियन प्लस पड़ती है। 8 मिलियन। और इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स क्या हैं? ये सर इस टाइम 438 व्हील्स और पावर का, 438 व्हील्स और पावर, 0 to 100। जीरो टू हंड्रेड इसको लॉन्च तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि ये दूसरे तीसरे गियर तक व्हील स्पिन नहीं छोड़ती। अच्छा, क्योंकि इसमें स्लिक्स नहीं अभी लगे हुए। मैं कह रहा स्लिक्स डालें तो फिर तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, स्लिक्स डालें तो फिर बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसका तकरीबन 13.5 to 14 सेकंड है 0 to 180। और इतने हाई स्पेक इंजन के साथ, लेकिन है टोयोटा का अपना इंजन, अगर इसको आप इसको नॉर्मल रेफ पे चलाएं तो क्या एवरेज देती है शहर में? नॉर्मल रेफ पे आप चलाएं तो ये तकरीबन मैक्सिमम 5-6 करती है। 5-6? हाँ जी। और अगर बदतमीजी चलाएं तो? बदतमीजी चलाएं तो 1-2। अब आप नॉर्मल से चलाते हैं बदतमीजी से चलाते हैं? सर ये नहीं, आराम से चलाई जाती। अच्छा, ये बदतमीजी चलाते हैं? ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी देख रहे हैं आजकल, वैसे बड़े सख्त हुए हैं। अच्छा जी, और एग्जॉस्ट भी इसमें चेंज हुआ है, राइट? जी, एग्जॉस्ट भी इसमें ईवो 8 का एग्जॉस्ट है ओरिजिनल। ईवो 8 का एग्जॉस्ट? ये वही एग्जॉस्ट जो क्रिसिडा पे लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, वो क्रिसिडा आपने इतनी महंगी बेची, एग्जॉस्ट निकाल के बेची? नहीं, ये सर ये शुरू से तकरीबन 16 साल हो गए ये एग्जॉस्ट मेरे पास, ये जो गाड़ी लेता हूँ उस पर ये लगा। आपकी उम्र क्या है? मेरी तो उम्र थोड़ी है, लेकिन ये पहले मेरे फादर वगैरह ये मैंने कहा कि आपकी उम्र 16 से टोटल 4 साल ऊपर लग रही है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा जी, ये क्या है? ये चेजर है, ये एंड दिस इज मॉडल 1997। ये 1992 है। 92? हाँ जी। जो आपके पास क्रिसिडा थी वो और चेजर एक जैसी होती है? ये सर उसके बाद आई थी, वो 91 मॉडल था। हाँ, ये उसके बाद 92 में। दोनों पैरेलल में आती थी बिकॉज इसकी शेप उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। सारों की शेप मिलती जुलती है क्योंकि चेसिस सेम होती है दोनों, सारी गाड़ियों की एक्स चेसिस है। तो सारों की शेप मिलती जुलती है। अच्छा, ये व्हील्स आपने खुद डाले कि ये भी ऐसे मिली है गाड़ी? नहीं सर, ये ऐसे ज्यादा ये कहाँ से ली गाड़ी आपने? ये मैंने लाहौर से ली है। लाहौर से ली है। और ये अराउंड किस बजट की गाड़ी है? सर ये आप 5 मिलियन प्लस कर लें इसको। ये भी बड़ी महंगी चाबी है इसकी?
इसकी इसका ये जो कर्व है ये ज्यादा खूबसूरत है मुझे उससे लग रहा है। उसके अंदर ना जरा कोने कोने से है, इसमें जरा कर्व ज्यादा है। चेजर इस साइज में ज्यादा प्यारी, हालांकि ये पुरानी है उससे। अच्छा, इसमें डिजिटल मीटर भी आ गया। ये ओरिजिनली टोरर है, ये वो वाला मीटर है जो मेरा ख्याल है काफी लोगों ने कन्वर्ट करके ये वाला मीटर बोर्ड डाला है। हाँ जी, यही ज्यादा ना, ये वही मीटर है ना जो हर बंदे ने डाला होता है। हाँ जी। अच्छा जी, स्टार्ट करें। इसमें 3 यूज़ या बता रहे हैं सो आप? जी, इसमें 3 यूज़ ही एफ ई है, V8 4.3 होता है, राइट? जी, 4.3। और इसकी फ्यूल फिगर्स क्या हैं? इसकी सर ये नॉर्मल, आप इसको चलाएं तो ये तकरीबन 9-10 करता है। अच्छा, 9-10 तो ठीक है यार। और एसी के साथ करता है, बदतमीजी वाला 6-7 पे आ जाती है। जिसके अंदर बैठ के जो एक पुराने जमाने की नॉस्टैल्जिक फीचर लाइट थी ना इधर, ये कॉर्निंग लाइट, ये भी उस जमाने बहुत ज़्यादा आती थी। हाँ जी, उतरी थी लाइट, ये उड़ जाती है। अच्छा, ये गैलेंट्स में आना शुरू हुई थी 80s में ना, लेट में तो उस समय देते थे। अच्छा जी, और ये स्वाप भी पहले से हुआ हुआ है? जी, ये स्वाप भी पहले। और ये इसका जो स्वाप है ये कितना को रिलायबल है, ये गाड़ी कितने देर से? सर ये गाड़ी बहुत रिलायबल है, आप इसको अभी चाहे कराची ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं, इसको फैमिली के साथ भी ये यूज होती है। आपने यानी कितनी चला ली दोनों ये गाड़ियाँ? बिकॉज अक्सर मुझे मसला ये होता है, मैं कहता हूँ ये स्वाप वाली जो गाड़ी है ना, इनका मुझे इशू ये रहता है कि रिलायबिलिटी का कोई इशू रहेगा। सर ये दोनों जो हैं ये वीकेंड कार हैं। अच्छा, किसी वीकेंड ये निकल जाती है, किसी वीकेंड पे वो निकल जाती है। अच्छा, इसकी डिग्गी में मैं पूरा नहीं आता, मैंने देखा इसमें साउंड सिस्टम भी आपने बड़ा कोई वो लगाया हुआ है, एम्पलीफायर्स आ गए, बेस ट्यूब आ गई। और डिग्गी जरा मैं इसलिए इसकी खोल के देना चाह रहा था बिकॉज इसकी डिग्गी जो है ना पूरी ऊपर नहीं आती, तो यहाँ पे सामान वगैरह घुसाने के लिए भी जरा इसकी डिग्गी वैसे बड़ी है, लेकिन ये साउंड सिस्टम आ गई। बट दोनों की डिग्गी में ये देखा कि दोनों की डिग्गियों में, क्योंकि नीचे वाला पार्ट लिफ्ट नहीं होता, तो अगर आपने लगेज वगैरह रखना तो इशू है। खैर ये लगेज वाली तो गाड़ियाँ हैं नहीं। अच्छा, अगर आप कोई इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी हो, आ जाए बैठ जाए, तो कौन सी चूज़ करेंगे? एक रखनी और एक बेचनी हो? सर एक रखनी हो तो मैं ये रखूँगा, क्योंकि ये एक लेजेंडरी बन गई है, लिविंग लेजेंड जिसको कहते हैं, JZ 600, राइट? हाँ जी, JZ 600। अच्छा, इनके पार्ट्स मिल जाते हैं बड़े आराम से? बिकॉज ये मैं तो कोई भी गाड़ी का पार्ट लेने जाता हूँ तो मुझे तो लगता है कि मिलते ही नहीं। सर पार्ट्स मिल जाते हैं आजकल, जापान से आप ऑर्डर करें 15-20 दिन में सामान आ जाता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव सामान है इनका। अच्छा, वहाँ पे भी? वहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे जो मेंटेनेंस है टोयोटा वगैरह से तो नहीं होगी ऑब्वियसली, इतनी पुरानी गाड़ी है? तो हमारी अपनी वर्कशॉप है, आपको तो ये दोनों गाड़ियाँ मुझे मेंटेन कर। और कितने को तंग करती हैं, ट्रबल फ्री हैं कि नहीं? सामने का ये कराची ले जाओ, तो ये जब से लिए इसमें कितना को काम कराया? सर ये जब से लिया है इसमें तो मुझे कोई किसी काम की जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो है इसका एक दफ़ा मैंने गियर बॉक्स उड़ा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने मैनुअल गियर उड़ा दिए। हाँ जी, मैनुअल। वो कैसे उड़ा है? वो इसमें पहले W58 था। अच्छा, जो शॉर्ट रेशो आता है, उसके बाद फिर मैंने इसमें मेरे R154 मेरे पास पड़ा था, मैंने वो इसमें डाला। उसके बाद क्लच इसका आफ्टर मार्केट डाला, पहले इसमें क्लच भी स्टॉक था। पावर के लिहाज से जो है ना वो गियर और क्लच दोनों इसके लिए सपोर्ट नहीं करते थे। वो इसका गियर उड़ा, और इसमें इसमें अभी तक मुझे कोई एडिट नहीं। अच्छा, इसकी हाइट भी आपने नीचे की भी कॉइल ओवर पे की है? दोनों गाड़ियों में कॉइल, दोनों में कॉइल ओवर, दोनों में कॉइल। तो इसकी जो सस्पेंशन स्टिफ हो गई होगी? सर ये ज्यादा ड्रॉप है तो हाँ। ये थोड़ी सी स्टिफ है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊंचा रखा हुआ है क्योंकि ये परफॉर्मेंस के लिए है और वो जैसे क्रूज वगैरह के लिए। और इसमें जेन्युइन वो तो नहीं आता था, सॉफ्ट हार्ड शॉक्स तो नहीं आते थे? नहीं, इसमें जेन्युइन, अगर टोरर वी होती या टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ी होती तो इसमें वो आता है। इसी जमाने की LS 400 आती थी 96-97 वाली, उसमें बड़ी ऑप्शन थी, बहुत टॉप ऑफ द लाइन है, वो बड़ी खूबसूरत लगती गाड़ी। वो भी आजकल मैंने देखा यहाँ पे लाहौर में या इस्लामाबाद में 3-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो तो काफी है, लेकिन ये जो है ये स्पोर्टीनेस भी है और लग्जरी भी है। उसकी तरफ ध्यान नहीं गया कभी? उसकी तरफ आजकल है ध्यान, अब देखें, क्योंकि मैंने वो 3-4 गाड़ियाँ देखी पार्क की जो भी लिस्टेड थी, बहुत खूब। मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट LS 400 बिकॉज इट्स द फर्स्ट लग्जरी कार एवर बिल्ट, तो उसका एक अपना जैसे कहते ना वो है एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू, बट उसका इंटीरियर और ये सारी तीनों का, वैसे आप इस भी बैठ जाए क्राउन में बैठ जाए उस साल की, सेम तो सेम एक ही चीज़ है, एक ही स्टाइल का है, बस वो थोड़ा उन्होंने मेरा ख्याल है अपग्रेड करते 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 ये टुवर्ड्स वो थी थोड़ा परफॉर्मेंस साइड पे, थोड़ा क्राउन जो है वो थोड़ा लग्जरी साइड पे थी। अच्छा, इनमें तो आपने तो परफॉर्मेंस के लिहाज से बनाई, अगर किसी को आम क्रूजिंग के लिए लेनी हो तो आई थिंक दे आर वेरी बड़ी कम्फर्टेबल गाड़ियाँ भी सर क्रूज के लिए, बेहतरीन गाड़ी है। बट ये इतनी क्वांटिटी में नजर नहीं आती, मेरा ख्याल है चेजर तो बहुत ही लिमिटेड है, ये तो फिर मिल जाती है। ये सर टोरर ऐसा ही पाकिस्तान में एक गाड़ी है। अच्छा, चेजर जो है वो है काफ़ी, लेकिन वो बेस वेरिएंट है, ये टोरर एस टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ी है, और ये जो है ये 2JZ GT के साथ 1 of 1 है। अच्छा, ये अक्सर आता है ये 1 of 1 है, ये कैसे पता लगा इसकी कोई रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान में कि 1 of 1 है कि बस ऐसी है जिसका जो क्लेम करे? सर 2-3 गाड़ियाँ हैं जिनमें 2J डलने की कोशिश की गई है, लेकिन वो किसी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इम्पोर्ट होता है बाहर से, आप रिफंड तो करा नहीं सकते।
तो किसी के इंजन में प्रॉब्लम आ गई, ये गाड़ी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई। तो अगर किसी को भी ये गाड़ी आपने लेनी है अभी प्रोजेक्ट के बगैर, सादी गाड़ी भी यानी 40-50 लाख से नीचे नहीं मिलेगी ऐसी। सर ये एक स्टॉक गाड़ी है आजकल मार्केट में आई हुई है JD 100, वो कहते तो ये है कि 26K चली हुई है ओरिजिनल, और वो 85 मांग रहे हैं स्टॉक गाड़ी। 85? तो फिर ये तो लोग जो कहते थे कि यार लोकल गाड़ी ना लो, जापानी ले लो, वैल्यू टू मनी, या तो ये तो महंगी होगी, वैल्यू टू मनी भी नहीं रही। वैल्यू टू मनी नहीं रही, नहीं रही ना, बिकॉज अब तो देखें इतने पैसों में तो आप कोई 0 मीटर गाड़ी भी ले सकते हैं ऐसे ही है। अगर लेकिन फिर ये भी बात है कि जो 0 मीटर आएगी उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। 0 मीटर यही बस शौक शौक की बात है, परफॉर्मेंस के लिए और लग्जरी गाड़ी और यूनिक चीज़ें हैं दोनों। अगर कोई बंदा ले लेता है और उसको अब्यूज़ नहीं करता तो आपके ख्याल से मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी इन गाड़ियों की? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, देखिए आपकी तो वर्कशॉप है ना जी, तो आपको तो पता है, बट एक आम बंदा जो है वो ले लेता है और उसको शौक है, लेट्स से वो कहता है जी मैंने 50 लाख रुपए की ये ले ली, क्योंकि 50 लाख रुपए में इस टाइम पे पिकांटो आती है या यारिस आती है, तो वो कहता है यार मुझे लग्जरी लेनी है, फैमिली के साथ जाना है, सनरूफ भी है, गाड़ी का स्टाइल भी है, और एक उसकी जो है ना एक वैल्यू भी है, नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है, तो वो ये ले तो लेता है। इसकी मेंटेनेंस पे क्या खर्चा आता है? सर दोनों मैंने मेरी जो ये दो गाड़ियाँ इन दोनों पर अभी तक सिर्फ ऑयल चेंज की कॉस्ट आती है मेंटेनेंस। इसका जो है वो 18K में होता है, लिक्विड मोली डलता है इसमें, सही है। इसमें एमजल डलता है वो 22K में होता है। 22K फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स? ये सर मैं तकरीबन 2500 के बाद चेंज करा देता, क्योंकि ये इंजन इतना महंगा हो गया, इसका रिस्क नहीं लिया जाता। तो मेरे ख्याल से अगर इन दोनों में से किसी ने लेनी हो प्राइस वाइज भी और नॉर्मल वाइज भी, तो ये ज़्यादा ईजी है जो ये ईजी है, ये आप फैमिली के साथ भी चला सकते हैं। ये जो है ये बॉयज़ कार है, ये वैसे भी परफॉर्मेंस कार है, इसमें फैमिली का मतलब सूट नहीं करती। ये जो इतनी जो आम लोगों के लिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, हम लोग तो कोड याद कर लेते हैं, आम बंदे के लिए इस गाड़ी का नाम चेजर है और उसका नाम मार्क, इसका नाम चेजर है, इसका नाम मार्क 92 चेजर 90 मुझे शुरू से रियर व्हील लवर हो। अच्छा हाँ जी, और होंडा में जो है वो मेरे से कुछ 2-3 गाड़ियाँ गिनी चुनी जो रियर व्हील आती है। होंडा में कौन सी आती है? S2000 आती है, NSX आती है, वो तो दोनों बड़ी लिमिटेड है, दोनों लिमिटेड है। S2000 भी बहुत कम है, NSX तो एक ही है मेरे ख्याल से पास, वो एक ही है कराची बायद भाई के पास। चलें, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा आपकी दोनों गाड़ियों को देख के, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, और मकसद यही होता है सबको दिखाने का कि आप किसी भी पुरानी गाड़ी से भी शौक पूरा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नई गाड़ी खरीदें, बिकॉज नई गाड़ियाँ तो वैसे ही मेरा ख्याल है अप्रोच से लोगों के बाहर हो चुकी हैं, बट अगेन इतने पैसों में आजकल कुछ नहीं आता, और आपने बड़ी खूबसूरत बनाई हुई गाड़ियाँ। बहुत शुक्रिया आपने इस पैशन को हमारे ऑडियंस से शेयर करने का। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिस मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।